हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द वर्ड गो लगा के मुकाबले के लिए आई है। हिंदुस्तान के किसी बैट्समैन ने सेल्फिश नहीं खेला, किसी भी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए खेलें। और ये बड़ा क्लियर मैसेज नजर आ रहा था ड्रेसिंग रूम की जानिब से कि भाई साहब, ये हमने मैच जीतना है, हमने प्रूव करना है कि इंडिया इज अ बेटर साइड देन फ्रांस। 3 ओवर में 50, मजाक है ये क्या चल रहा है? ये इतना कौन मारता है यार? ये गुतरी का कार है इस तरह की धुलाई का। 3 ओवर में 50, ये T20 चल रहा है, ये T10 चल रहा है, ये टेस्ट चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या मैच क्या चल रहा है? 3 ओवरों में 50, ओए होए होए यार, ये क्या हो रहा है भाई? व्हाट इज गोइंग ऑन? ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? ये किस प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है भाई? मुझे आप बताएं। ये टेस्ट क्रिकेट है, T20 है, वनडे है, ये हो क्या रहा? ये जायसवाल और रोहित शर्मा क्या खा के आते हैं और ये क्या बुलाए हैं? और भारतीय टीम क्यों खड़ी होगी और इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने? इसकी एक ही वजह है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इस टीम के। इस टीम में टैलेंट है, इस टीम में जो ईगो है, इस टीम की एक रेपुटेशन है, इस टीम में अकल है, इस टीम का ग्रेट थिंक टैंक है। What a brilliant form of cricket that India has put today in front of the entire world। और इंग्लैंड को भी लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कौन सी बैस बॉल, कौन सा बॉल, कौन सा बॉल, ये है भाई साहब क्रिकेट। ये इतना बुरा फेटा, इतना बुरा फेटा, तोबा तोबा तोबा, सवाब की तरह मारा है। दुख हो रहा है कि हम इस टीम से 2-0 से हार गए। इंडिया ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया और जब तक रोहित शर्मा खेले थे ये टेस्ट मैच नहीं था, T10 का मैच था, 10 ओवर का। और फिर हम सबके मुंह के ऊपर तमाशा आना है कि हम जिसको कहते हैं ना 5-5 दिन के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीत पाए और उन्होंने 2 दिन के अंदर बांग्लादेश को टेस्ट मैच हरा दिया। वनडे T20 क्रिकेट नहीं है, ये डेमोलेशन है, ये तबाही और बर्बादी है, ये बेसबॉल नहीं है, इंडिया बॉल है। ये इंडिया ने वो दिखा दिया क्रिकेट जो बेसबॉल भी नहीं खेल सकता। हैट्स ऑफ जी, इस तरह की हिटिंग फैबुलस किस्म की इंटेंट के साथ रोहित शर्मा द कैप्टन एंड जायसवाल, व्हाट अ क्रिकेटर ही इज, फेयरलेस। ये होता है टीम के लिए खेलना। उसके बाद 11 ओवर में 100 रन, 16वें ओवर में 104। रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, रिकॉर्ड्स। इंडिया T20 का मजा दे रहा है आपको टेस्ट क्रिकेट में। 50 18 गेंदों पे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज के बाद का तो पता नहीं, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो 50 है वो 18 गेंदों पे किया हो। आज तक नहीं हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और फिर 100 जो है 61 गेंदों पे, ये इंडिया के पास ही रिकॉर्ड था, 74 गेंदों पे पहले 100 किया हुआ। कमाल है भाई, कमाल है। हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, टू द कैप्टन, के जो इंटेंशन दिखाई है कि जी हाँ, हम इस मैच से भी रिजल्ट निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। यह है तरीकाकार बैटिंग का, यह होती है इंटेंशन। और बांग्लादेश के क्रिकेट फैन, उनको भी पता चल गया कि टीम बेशक पाकिस्तान में जीत के आई है, बट वी नो वेयर डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान वाले जो क्रिकेट फैन है वो बेचारे और दिल में हसरत लेके ठंडी ठार कि ये हमारी टीम पे बड़ा गर्क हुआ है, बांग्लादेश तो वैसे ही जैसे खेल रही है। और इंडिया के क्रिकेट फैंस, उनको भी बड़ा इंतजार था, यहाँ एक दफा आ जाओ, खुशबू लगा के आ जाओ जरा, बड़ा मतलब जीत जिता के आ गए हो, हमारे वतन में आ जाओ जरा, एक दफा हमारे मुल्क में, हम बताएंगे आपको क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो है कि नहीं ये क्रिकेटिंग लेसन? ये पकड़ के क्रिकेटिंग लेसन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फास्ट 3 ओवरों में 50, मजाक है ये क्या चल रहा है? ये इतना कौन मारता है यार? ये गुतरी का कार है इस तरह की धुलाई का। 3 ओवरों में 50, ये T20 चल रहा है, ये T10 चल रहा है, ये टेस्ट चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या मैच क्या चल रहा है? 3 ओवरों में 50, ओए होए होए। और फिर 10 ओवरों में 100 कर दिया। तो ये तो भाई साहब T20 वाला पहले T10 के हिसाब से 3 ओवरों में 50, और फिर अगली जो बारी है वो T20 वाला 10 ओवरों में 100। वो भी अच्छी टीमें करती है 10 ओवरों में 100, T20 में भी 10 में 100, हमसे तो नहीं होता। तो अभी पता चल गया कि हाँ जी, वेयर डू वी स्टैंड। हैट्स ऑफ जी, इस तरह की हिटिंग फैबुलस किस्म की इंटेंट के साथ रोहित शर्मा द कैप्टन एंड जायसवाल, व्हाट अ क्रिकेटर ही इज, फेयरलेस। ये होता है टीम के लिए खेलना। तो मैच में इस तरह की धुलाई, ऐसी धुलाई, ओहो अनबिलीवेबल। ये भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में हमने ये दिन देखने थे कि टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की धुलाई, ओहो अनबिलीवेबल किस्म की हिटिंग। हर ओवर में 9-10, 9-10, 6-6, 7-7 फील्डर। ये T20 में नहीं लगाते, T20 में तो चलो फिर भी कंपल्शन होती है ना कि दायरे के अंदर आपने 4 फील्डर तो डाल ही डालने। तो यहाँ पे तो है भी नहीं वो 7-7 फील्डर। 7-7 फील्डर जो हैं वो शुरू के ही ओवर है, 5-7 ओवर है, सारे के सारे बिल्कुल दीवार पे लगे हुए हैं, सारे के सारे बाउंड्रीज के साथ लगे हुए हैं। क्या जी, यहाँ पे जो आप बाउंड्री पे खड़े हो जाए किसी ना किसी तरीके से, चौके बचाओ। 18 गेंदों में 50, 18 गेंदों में 50, ये इंडिया का अक्रॉस द फॉर्मेट फास्टेस्ट है। T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कभी, T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कि 3 ओवरों में 50 रन हो जाए। वनडे T20 को तो छोड़ो, वो रिकॉर्ड टेस्ट में करके दिखा दिया ना, T20 में ना वनडे में रिकॉर्ड करने पे। 3 ओवरों में 50 रन, तो जो इंग्लैंड वाले कहते हैं जी हमें देख के दूसरी टीमों ने भी तेज खेलना शुरू कर दिया है, तो आपको देख के नहीं, टीम की जब जरूरत है तब उस तरह खेलने को कहते हैं कि जनाब आपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खेला। रफ्तार जो रन किया वो नहीं रुक रही, इतनी शानदार और बेहतरीन किस्म का इंटेंट हमें तो याद नहीं है कभी देखा हो। याद भी हुआ ही नहीं है जो पहले कभी काम, तो फिर देखा कहाँ होना। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये पहली दफा ये काम हो रहे हैं। ये 3 ओवरों में 50, ये 60 गेंदों में 100, ये टेस्ट में की बात हो रही है भाईजान, टेस्ट की। जी हाँ, तो इस तरह की कमाल की बैटिंग, ओहो अनबिलीवेबल, धुएं निकाल के रख दी है यार। ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, ये किस प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है भाई, मुझे आप बताएं। ये टेस्ट क्रिकेट है, टी20 है, वनडे है, ये हो क्या रहा है। ये जायसवाल और रोहित शर्मा क्या खा के आते हैं, और ये क्या बुलाए हैं। 3 ओवर में 50 कर देते हैं, 10 ओवर में 100 कर देते हैं, 12 ओवर में 120 कर देते हैं। इन्हें ना डर लगता है ना खौफ लगता है। और ये किस प्लेनेट के हैं, और कहाँ से लाए हो भाई, ये और कहाँ से लाए हो इंडिया वालों। तोबा 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 तोबा, ऐसी क्रिकेट कभी देखी नहीं। कितने रन, 23 रन, बॉलें कितनी है, 10-11 बॉले, छक्के कितने हैं, 3। कौन है रोहित शर्मा, सेल्फलेस, कोई जाती एम्बिशन नहीं, कोई पर्सनल ईगो नहीं, कोई पर्सनल मैं नहीं, सिर्फ टीम 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 टीम, मुल्क। लोग तो कह रहे थे कि भाईजान ये तो ड्रा हो जाएगा, ये तो फर्क मैच है, इस मैच का तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, ओनली वन वे। ये क्या हो रहा है। तौबा तौबा, नागन तो इस वक्त छटपटा गई। ये तो नागन का वो काम हो गया कि मैं क्या लफ्ज यूज करूं। तौबा 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 तौबा, इतना कोई मारता है यार, इतना कोई जुल्म करता है मेहमानों के साथ, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए भाई, इतना नहीं मारना चाहिए। ये तो दुम्बे की तरह मार मार दे मार। 4.5 रोहित शर्मा ने जहां छोड़ा जायसवाल ने पकड़ लिया, जायसवाल ने जहां छोड़ा गिल ने पकड़ लिया। इंडिया किसी और ही प्लेनेट पे है, इंडिया कोई और ही क्रिकेट खेल रहा है। ये टेस्ट क्रिकेट, वनडे, टी20 क्रिकेट नहीं है, ये डेमोलेशन है, ये तबाही और बर्बादी है। ये बैस बॉल नहीं है, इंडिया बॉल है। ये इंडिया ने वो दिखा दिया क्रिकेट जो बैस बॉल भी नहीं खेल सकता। 233 इतने कम रन नहीं थे, जिस तरह इंडिया ने इनकी धज्जियां उड़ा दिया, टोटे टोटे कर दिया नागन को डिफरेंट पीसेज में। कभी याद पड़ता है आपको, कभी इस तरह की क्रिकेट आपने अपनी जिंदगी में देखी है? ओए इस तरह कोई मारता है, ओए होए होए होए, बाहर निकल के छक्के चौके। और जिस तरह की बारी ली है, इतनी सा कैमियो है रोहित शर्मा का, लेकिन सेट द टोन। भाई साहब मजे करा दिए, भाई साहब मजे करा दिए। ये क्या रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, इंटेंट क्लियर है टीम इंडिया की, इसलिए तो टीम इंडिया की इतनी तारीफ की जाती है, क्योंकि दे प्ले विद देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, दे प्ले फॉर देयर नेशन। रोहित शर्मा का जो सेल्फलेस एटीट्यूड है वो पूरी टीम में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कप्तान इस तरह लीड करे और कप्तान इतना सेल्फलेस होकर खेले कि वो अपनी विकेट का ना सोचे। मुबारक हो भाई साहब, इंडिया ने आज फास्टेस्ट टीम 50 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया का जो खुद का रिकॉर्ड था, जो पिछले साल रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया था, फास्टेस्ट टीम 100 का 12.2 ओवर के अंदर, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज ये सवाल हो रहा है कि बेसबॉल पाकिस्तान आ रही है तो पाकिस्तान के साथ क्या करेगी बेसबॉल, लेकिन व्हाट बेसबॉल, इट इज रोहित बॉल, इट इज जेस बॉल। द काइंड ऑफ इंटेंट इंडिया हैज शोन हियर, क्लियर आउट मैसेज बांग्लादेश को दे दिया कि भाई साहब बच सकते हो तो बच लो, हम तो यहाँ आ रहे हैं रन मारने तुम लोगों को। जिस तरह इंडिया निकल कर आया और इंडिया ने बैटिंग की, रोहित शर्मा स्पेशली 3 पहले ओवर में 3 बैक टू बैक चौके, उसके बाद रोहित शर्मा पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, अगले ओवर में छक्का, 3 ओवर में 50 रन मुकम्मल किए, 3 ओवर में 50 रन, उसके बाद 11 ओवर में 100 रन, 16वें ओवर में 140 पे इंडिया खड़ा हुआ है, पीछे महज रन कितने बचे हैं। अब लोग ये सोच के परेशान है कि भाई साहब ये हमने तो यहाँ सोचा कि 233 के बाद बांग्लादेश यहाँ सोच रहा होगा कि गेम ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन ना 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 भाई साहब, व्हाट अ ब्रिलियंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट दैट इंडिया हैज पुट टुडे इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और इंग्लैंड को भी लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कौन सी बैस बॉल, कौन सा बॉल, कौन सा बॉल, ये है भाई साहब क्रिकेट। ऐसी इंटेंट भाई साहब इंग्लैंड में भी आपको नहीं दिखती है। ये जो बैस बॉल गिरी है ना, ये वाली आपको इंग्लैंड, जो 3 ओवरों में हशर और नशर बिगाड़ा है हसन महमूद का और खालिद अहमद का, रोहित शर्मा और जायसवाल ने। ये शंतु भी 3रे ओवर में बैकफुट पे हो गया, बोला भाई मेरे हाथ देख लो, हमसे तो ना हो पाएगा कि अगर हमारे पेसर या मुकाबले में लगे रहेंगे। इतना बुरा फेटा, तोबा तोबा तोबा, सवाब की तरह मारा, इतना मतलब बुरा हाल। और ये नहीं कि कोई फ्लूक शॉट्स हैं, यहाँ कोई तुक्के हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, प्रॉपर इंटेंट आपको नजर आ रही है। ये होती है टीम जो मुल्क के लिए खेलती है, ये होते हैं इंडिविजुअल्स जो मुल्क के लिए। इज द बेस्ट इंडिया, इज द बेस्ट इंडिया, इज द बेस्ट इंडिया। खुद नहीं समझ पा रहा कि हमने सिर्फ किस चीज पर फोकस करना है, इसलिए सब पे फोकस कर रहे हैं। ऐसी की तैसी ना कोई नेपाल जाएगा ना पाकिस्तान किसी को। मैं बहुत इंतजार करता हूं, मैं बहुत मौका देता हूं, मैं बहुत पेशेंस है मेरे अंदर। अभी भी मैंने सुबह से कुछ बोला नहीं है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को। सबका हसबे हाल ठोक दूंगा, घुसा दूंगा जुगत की पैदाइशों को। बांग्लादेश को इतनी बड़ी शिकस्त हो जाएगी ये मुझे लगता है बांग्लादेश ने सोचा भी नहीं था। मतलब पाकिस्तान से जीतने के बाद जब वो गए तो उनको लगा था कि शायद हम इंडिया को भी डोमिनेट कर लेंगे। इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी। ना राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको जैसे हम पंजाबी में कहते हैं थरथली नहीं थी पड़ी हुई, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। हमने परफॉर्मेंस देखी जसवाल की। जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने सिस्टम की वजह से ग्रूम होकर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं एचबी सूरज प्ले। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट्स में देखा, भारतीय बैट्समैन की बैटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया कितनी खुश हो रहे हैं, कितने गजब कमेंट्स कर रहे हैं। खास करके शोएब अख्तर का रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। पाकिस्तानियों का रिएक्शन से भरा पड़ा था पूरा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत के बीच में जो टेस्ट मैच हो रही थी उसका पूरा डिटेल्स को हम हाईलाइट करके रिकॉर्ड करके बता रहे हैं आपको। फ्रेंड्स, चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाजी में बल्लेबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड बना डाले। जी हाँ, सही सुना आपने, कई रिकॉर्ड बना डाले। टीम इंडिया ने जिस तरह बल्लेबाजी की थी, जिसकी उम्मीद कभी नहीं थी, उसको भी नहीं थी, खुद भारत को भी नहीं थी कि ऐसी बैटिंग वो खुद कर पाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच ग्रीन पार्क में खेला जा रहा है टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। खेल समाप्त होते तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 26 रन बनाए हैं और वो भारत से 26 रन से पीछे है। 3 दिन तक बारिश के कारण मैच में बहुत सारी बाधाएं आई थी। पहले 2 दिन तो सिर्फ 35 ओवर में ही फेंके जा सके, वहीं दूसरी और तीसरे दिन की खेल बारिश के कारण भी खराब रहा, मैदान के कारण नहीं हो सका। चौथे दिन खेल शुरू हुआ तो मेहमान टीम ने पहली पारी में मोमिनुल हक नवाज 107 रन के दम पर किसी तरह 233 रन बना पाए। टीम इंडिया ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 285 रनों पर अपनी पारी को घोषित कर दी। भारत ने 26 रनों की बढ़त ली थी। बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में उतरे टीम इंडिया ने उसको 2 विकेट भी गिरा दिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हो बट गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अब तक मैं अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।